2019 का चुनावी रण लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करके 2019 का सबसे बड़ा दांव खेल दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरें एक बार फिर से हवा में तैरने लगी है। नमस्ते, हम है प्रज्ञा और आप देख रहे हैं द चौपाल। दरअसल कांग्रेस ने अभी तक वाराणसी सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और कार्यकर्ता प्रियंका से चुनाव लड़ने की मांग भी कर रहे हैं, किंतु परंतु ना हाँ के दिन बीत चुके हैं, अब घड़ी फैसले की है। बात हो रही है वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी की, वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एकदम आमने सामने का मुकाबला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उनके भाई और पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं तो वो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार है। पीएम मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाड्रा। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 3,77,000 वोटों से हराया था। दूसरे स्थान पर रहने वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। पीएम मोदी की जीत का जो अंतर था वो सभी दलों के संयुक्त वोट बैंक से पीछे हो जाता है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी में अपने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती है तो क्या उनके लिए भी रास्ता खाली कर दिया जाएगा। यादवों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इस सीट पर पिछले कई चुनाव से यादव समाज बीजेपी को ही वोट कर रहा था, लेकिन सपा के समर्थन के बाद इस पर भी सेंध लग सकती है। इसके बाद भूमियार 1,25,000, राजपूत 1 लाख, पटेल 2,84,000, दलित 80,000, अन्य पिछड़ी जातियां 70,000 है। इनके वोट अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होते हैं तो सीट का गणित बदल सकता है। मोदी ने जिस तरह से पिछले 4.5 सालों में वाराणसी में विकास के जो काम किया है, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ ये देखना बनेगा कि आखिर जनता फैसला क्या लेती है। वैसे बनारस के लोकल लोगों से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही बताती है कि सारे गुना गणित के बाद भी पीएम मोदी को यहाँ से हरा पाना काफी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। खैर, आखिरी फैसला जनता को करना है। मैं तो चलते चलते यही बोलते जाऊंगी कि वोट देने जरूर जाए और अपना सही उम्मीदवार ही चुने। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।